सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सुरान अकेडमी क्लासेस पर। यहाँ बात करेंगे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 की। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की तरफ से ये फॉर्म आता है और ये गवर्नमेंट कॉलेज है तो प्रवेश फॉर्म है, यानी यहाँ पर आपको जो कॉलेजेस बीएससी नर्सिंग करने के लिए मिलेंगे उनका एग्ज़ाम होगा और उनके इस सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं, तो इसका आप बहुत अच्छा लाभ उठा सकते हैं। आज ही इस फॉर्म को भरें जिससे आप आसानी से चीज़ों को कंप्लीट कर पाएँ, पढ़ पाएँ और समय आपके लिए बच पाए। तो आइए पूरी डिटेल को समझते हैं एक एक करके, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा फॉर्म है और चीज़ें इसमें काफ़ी ज़्यादा होती हैं। बहुत सारे कोर्सेज के लिए ये पर्टिकुलर फॉर्म आता है, लेकिन हम उस पर्टिकुलर बीएससी नर्सिंग के लिए यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, ये इसका प्रॉस्पेक्टस है, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2023, विवरण पुस्तिका शैक्षिक सत्र 2023-24 के लिए है। जो इसकी मुख्य तिथियां हैं उन्हें आप देख लीजिए सबसे पहले, क्योंकि उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म भरना है। तो यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है आज यानी 7/5/2023 से, और 2 जून तक आप इस फॉर्म को भर सकेंगे। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू नेट बैंकिंग जो है वो 3/6/2023 तक रहेगी, और ऑनलाइन एडिटिंग अप्लीकेशन करने के लिए 4 जून से 5 जून तक। बाकी एडमिट कार्ड और प्रोसेस ऑफ डेट ऑफ एग्जामिनेशन वो आपको बाद में सूचित किया जाएगा, जिसे हम अपने चैनल के माध्यम से भी आपको सूचना देंगे जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी। तो ये तो मुख्य बातें हो गई जो किस तारीख को आपको क्या क्या करना है। देखिए, सबसे पहले परीक्षा पैटर्न को आप समझ लीजिए। परीक्षा पैटर्न में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर 6 पेपर तरीके से दिए गए हैं। अब आपके कोर्स के लिए कौन से एलिजिबल होते हैं उनके लिए, जैसे भौतिक रसायन, गणित, जीव विज्ञान, अगर आप नर्सिंग के लिए भरते हैं तो भौतिक रसायन और जीव विज्ञान यानी 3 पेपर आपको देने होंगे। वो अलग अलग टाइमिंग के 1.5-1.5 घंटे के पेपर्स होते हैं, उन्हें आपको देना होता है इसमें। तो PCM ग्रुप या PCB ग्रुप आप जिसके हिसाब से होंगे वो एलिजिबिलिटी, क्योंकि आप नर्सिंग करने जा रहे हैं तो PCB आपको देना होगा, यानी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, यानी 3 आपको परीक्षाएँ देनी होंगी 1.5-1.5 घंटे की, जिसके पूर्णांक 400-400 यानी 1200 होंगे। यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ पर फॉर्म की शुल्क दी गई है, उस फॉर्म की शुल्क को आप देख सकते हैं। तो उस शुल्क के हिसाब से अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो आपको इसमें पढ़ेंगे तो इसमें डिटेल आपको मिलेगा। अगर आप PCB का देना चाहते हैं तो आपको 1000 रुपये देना होगा, अगर आप PCBM का देना चाहते हैं तो 1100 रुपये होगा। तो उसी हिसाब से आपको देना, यानी 1000 रुपये एक तरीके से आपको फ़ीस यहाँ पर फॉर्म की देनी है। यहाँ पर आप जो सीट्स देख सकते हैं वो सीट्स का विवरण दिया गया है कि टोटल आपको कॉलेजेस मिलते हैं 5, हर एक सीट, हर एक कॉलेज में 60-60 सीटें हैं, यानी टोटल सीट्स जो आपको देनी है वो जो है 300 सीट्स गवर्नमेंट की यहाँ पर मिलेंगी। उस सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस यहाँ पर नाम उन्हें दिए गए हैं। BSc नर्सिंग कॉलेज आप पटना है, BSc नर्सिंग कॉलेज पावापुरी, नालंदा है, और भागलपुर है, दरभंगा है और गया, इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। ये सभी इंस्टीट्यूट्स में आपको 60-60 सीट्स मिलेंगी जो इस फॉर्म के अंतर्गत आती हैं। अगर हम बात वेबसाइट की करते हैं तो ये है संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की तरफ से, यहाँ कुछ डेट्स दी गई हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग। आप देखिए, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट और प्रॉस्पेक्टस दिया गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं, और आगे की तरफ क्लिक हियर, और यहाँ से आप स्टेप टू फॉलो कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन, और ये पूरी प्रोसेस यहाँ पर समझाई गई है। देखिए, आवेदन करने के लिए निम्नलिखित को अपने हाथ में रखें। उम्मीदवार के पास वैध ईमेल आईडी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, स्कैन की गई सॉफ्ट कॉपी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होनी चाहिए 100 KB से कम की, हिंदी और अंग्रेजी में हस्ताक्षर स्कैन होने चाहिए वो भी 100 KB से कम हो, आधार कार्ड उपलब्ध हो, क्रेडिट कार्ड, ATM, सह डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग या UPI, इनमें से कोई एक आपके पास होना चाहिए, इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स बिफोर अप्लाइंग, तो यहाँ पर दिया गया है कि आपको अप्लाई करने से पहले ये सारी डिटेल्स देख लेनी है। प्रिंट आउट अप्लीकेशन फॉर्म Part A एंड Part B, ये डिटेल्स दी गई है कि किस तरीके से आपको स्टेप्स फॉलो करनी है, और क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं ये जगह पर। तो यहाँ हम जैसे ही टिक करते हैं, लिंक आपको हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। यहाँ देखिए किस ग्रुप के लिए करना है, सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर PCM है, PCB है या PCM, जो आपके पास सब्जेक्ट्स हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, कंफर्म नेम, ये सारी चीज़ें आपको भर के रजिस्ट्रेशन
कर देना है, वेरिफिकेशन कोड आएगा, आप उसके आगे का फॉर्म भर पाएंगे, फिर यहाँ पर सारी डिटेल्स भरते हुए आगे की तरफ वेरीफाई करते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, और किसी भी प्रकार की समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।